तो विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामे के बीच सदन में 4,143 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया है। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया था। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई थी। हंगामा करने वाले विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी विधायकों के अलावा जनता कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा भी गर्भगृह में नारेबाजी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौर से ही जल जीवन मिशन को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने स्थगन मांगा, लेकिन स्थगन को लेकर जमकर रस्साकसी शुरू हुई। पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर मानना यह था कि बस्तर में जो चार भाजपा नेताओं की जो हत्या हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर नक्सल समर्थित होने का भी आरोप लगाया, साथ ही धर्मांतरण को जोर देने का भी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया, जिसके बाद करीब 3 बार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए और स्वमेव ही निलंबित हो गए। निलंबन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं लगातार वो वेल में पहुंचे हुए थे और जमकर नारेबाजी करते रहे। इस बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा भी शुरू हुई और सभी विधायकों को जिनका जिनका नाम लिया गया था संधि के द्वारा, उन्होंने उसका बकायदा अनुपूरक बजट पर चर्चा भी किया। उस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री की जब बारी आई, मुख्यमंत्री ने भी अनुपूरक बजट पर लगातार चर्चा की और योजनाओं को लेकर खासा पहल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार वेल में पहुंचकर ही, वेल में बैठकर ही, यानी गर्भगृह में बैठकर लगातार विरोध करते रहे। अंततोगत्ता यह हुआ कि भारी मतों से अनुपूरक बजट तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध अनवरत जारी रहा। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।